अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उस्मान मुनव्वर है। मैं कंसल्टेंट जनरल एडवांस लैप्रोस्कोपिक और कैंसर सर्जन हूँ। मैं समीना निसार हॉस्पिटल और उस्मान जनरल हॉस्पिटल में सर्जरी की फ़राइज़ सर अंजाम देता हूँ और ऑपरेशन और इलाज दोनों करता हूँ। आज वीडियो बनाने का मकसद है बवासीर पे बात करना। बवासीर एक बहुत कॉमन सी बीमारी है जो कि हमारी सोसाइटी में पाई जाती है। मोस्टली पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जिनको पखाना करते हुए ब्लीडिंग कंप्लेन होती है, ब्लीडिंग की शिकायत होती है। अब इसमें होता ये है कि बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज़ कर लेते हैं बवासीर को, स्पेशली जैसे कीमो ने किया होता है कि ये जी खूनी बवासीर है, ये बादी बवासीर है, ये फलानी बवासीर है। ऐसा कुछ नहीं होता। हेमरॉइड्स, बेसिकली द रियल वर्ड इज़ हेमरॉइड्स। हेमरॉइड्स जो है वो एक ही किस्म की बवासीर है जो कि पेनलेस ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट होती है। यानी कि जब आप पखाना करेंगे और सिर्फ ब्लीडिंग होगी, फ्रेश ब्लड होगा, ड्रॉप्स की सूरत में होगा और कतरे कतरे उसके नीचे गिरेंगे, दैट इज़ हेमरॉइड्स, ये बवासीर है। अगर ब्लीडिंग आपको पेन के साथ हो रही है तो वो उसकी पैथोलॉजी और है, वो मोस्ट लाइकली एनल फिशर होगा। अगर आपका ब्लड जो है वो ओल्ड क्लॉटेड फॉर्म में आ रहा है तो फिर उसका मतलब ये है कि ये ब्लड का सोर्स ऊपर से है, कोई ट्यूमर हो सकता है, कोई पॉलिप हो सकता है, लेकिन ये बाकी सारी चीज़ें बवासीर नहीं है। बेसिकली हमारे यहाँ पे माल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की जाती है और जिसके नतीजे में बीमारी कुछ होती है और इलाज कुछ होता है। याद रखें बवासीर यानी कि हेमरॉइड्स सिर्फ एक ही किस्म के होते हैं जिसमें पेनलेस ब्लीडिंग होती है। अगर आपको ऐसी कोई कंप्लेन है कि ब्लीडिंग आपकी पखाने के ज़रिए हो रही है और पेन के बगैर हो रही है तो फिर आपको सबसे पहले ये करना है कि आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, उसका मुआयना कराना है। मुआयना इसका किस तरह से हो सकता है? मुआयना इसका एक प्रोक्टोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि पखाने वाली नाली का हम एग्जामिनेशन उससे करते हैं। एग्जामिनेशन करने के बाद हम देखते हैं कि बवासीर की जो कैटेगरी है वो कौन सी है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ डिग्री हेमरॉइड्स हैं। अगर फर्स्ट एंड सेकंड है, फर्स्ट के लिए हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं, सेकंड जो है उसमें हम कंजर्वेटिव भी करते हैं, समटाइम्स रबर बैंडिंग लगेशन इस तरह की चीज़ें भी करते हैं या इंजेक्शन ट्रीटमेंट उसकी होती है। जो आखिरी दो कैटेगरीज हैं उसके लिए मोस्ट प्रेफर्ड होता है सर्जरी ही कराना। ठीक है, सर्जरी इसमें दो किस्म की होती है। एक जो स्टैंडर्ड हमारा मिलिगन मॉर्गन ऑपरेशन है जो दुनिया में अजलों से चल रहा है वो हो रहा है, उसके अलावा जो एडवांस ट्रीटमेंट इसकी आ गई हैं, एक है हेमराइडल आर्टरी लाइगेशन है, स्टेपल्ड हेमराइडेक्टमी है, बहुत सारी इसमें एडवांसमेंट हो गई हैं। लेकिन चूँकि एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो है वो ओपन तरीके से ही इसकी हो रही है, मिलिगन मॉर्गन ऑपरेशन, और वही एक कॉमनली तरीका इलाज है। क्योंकि जो बाकी सारी ट्रीटमेंट्स हैं जो दुनिया में अवेलेबल हैं, पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं, वो काफ़ी कॉस्टली हैं। मतलब अगर हम हेमरॉइड की ऑपरेशन की बात करें स्टेपल गन के ज़रिए, तो ऑपरेशन की कॉस्ट बिल्कुल इक्वल होगी कि आपकी जितने की वो गन आएगी। मतलब ये होगा कि अगर आपका एक ऑपरेशन 50,000 में हो रहा है तो आपका कॉस्ट उसकी डबल होके 1,00,000 हो जाएगा, फॉर एग्जांपल के तौर पर, मतलब ये बता रहा हूँ मैं। रही बात, अब इसमें एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये दोबारा होने के चांसेस कितने होते हैं। दोबारा होने के चांसेस डिपेंड करता है आपके, देखें जो हेमरॉइड या बवासीर है वो होती है 3, 7 and 11 o'clock पे, जो प्राइमरी हेमरॉइड्स हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपका टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ सर्जरी सिर्फ आपको एक ही मौका था जो फॉर एग्जांपल 3 o'clock पे था, तो आपने वो रिमूव कर दिया, लेकिन 7 or 11 o'clock पे नहीं है तो वो लेटर ऑन होने के बनने के दोबारा उसको चांसेस होते हैं, क्योंकि उसको उस वक्त रिमूव नहीं किया जा सकता जब, क्योंकि वो बना ही नहीं होता। तो जो बीमारी उस वक्त होगी उसको हम कर सकते हैं, इसके दोबारा होने के चांसेस होते हैं, कम होते हैं। अब इसकी आ जाती है एहतियात। एहतियात हमें क्या करनी चाहिए? नंबर वन, हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी चाहिए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए, मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल होना चाहिए, अपनी डाइट का होना चाहिए हमारा, हमें ख्याल रखना चाहिए। और लास्टली हमें एक गुड अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, एक गुड अच्छा बॉडी वेट मेंटेन करना है। थैंक यू सो मच। दिस वीडियो इज़ बींग मेड फॉर डॉक्टर इरफान सलेरिया फॉर हिज चैनल ई चपाल सीरीज़ ऑन सोशल मीडिया। थैंक यू सो मच।